गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम इस वीडियो में कोहलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम आज का जो लाइव सेशन है, ठीक है, आज की जो लाइव सेशन है हम स्टार्ट कर सकें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सभी को सुप्रभात। दोस्तों, हम सीटेट की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे साथी जो कि मनोवैज्ञानिक को बताने के लिए कमेंट किया था कि सर हमें मनोवैज्ञानिक के बारे में बताएं, इसलिए हम एक एक करके सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम कोहलर के बारे में बताने वाले हैं। आज का हमारा जो लाइव सेशन है कोहलर को लेकर रहेगा। तो चलिए साथियों, एक एक करके अन्य जो साथी है वीडियो से जुड़ते जाएंगे, चैनल से जुड़ते जाएंगे। यदि हमारे वीडियो को पहली बार कोई साथी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट की जैसे ही हम क्लासेस ख़त्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम शिक्षक भर्ती की पूरी क्लास इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी निःशुल्क आपको हमारे चैनल से मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए कोहलर, ठीक है, कोहलर जिन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्या दिया? तो कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि, उसी को बोलते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर की देन है, ठीक है। और ये जो कोहलर है दोस्तों, उन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। अगर एग्जाम में पूछा गया कि कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे कोहलर ने किया था। एक चिंपैंजी जिन्हें वनमानुष कहते हैं, उस वनमानुष का नाम रखा गया था सुल्तान, ठीक है। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है कोहलर है, ठीक है। यहाँ से एक नंबर से ऐसे ही अचानक से क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आप इस पर फोकस करें। तो देखिए, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, ठीक है, इनके देखिए प्रतिपादक कौन है, वर्दिमर है। इनका जो प्रयोग किसने किया था, तो कोहलर ने किया, ठीक है, इसका प्रतिपादन वर्दिमर है, लेकिन इसका जो प्रयोग है कोहलर ने किया था। प्रयोग करने वाले जानवर अर्थात ये जो प्रयोग है सूझ का या अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत है, इसका जो प्रयोग है वनमानुष जिन्हें हम चिंपैंजी बोलते हैं उस पर किया था। उस चिंपैंजी का नाम रखा गया था सुल्तान, ठीक है साथियों। सहयोग दिया था कोफका ने, ठीक है, कोफका ने इस प्रयोग पर सहयोग दिया था। और ये जो प्रयोग है वह प्रतिपादित कब हुआ, 1912 में हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इसके प्रतिपादक वर्दिमर हैं। इस पर जो प्रयोग किया गया था कोहलर के द्वारा, प्रयोग करने वाले जो जानवर है चिंपैंजी पर किया गया था, उस चिंपैंजी जानवर का नाम अर्थात वनमानुष का नाम सुल्तान था, सुल्तान नामक, ठीक है। सहयोगकर्ता है कोपका, और इसे प्रतिपादन करने का जो वर्ष है 1912 है दोस्तों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो गेस्टाल्टवाद क्या है, ठीक है, गेस्टाल्टवाद एक शब्द है जो कि एग्जाम में भी बार बार आता है, ठीक है, इस शब्द को भी आप समझिए। तो गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मनी या जर्मन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, कहां का शब्द है, तो यह जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण, ठीक है। गेस्टाल्टवाद, जिसमें गेस्टाल्ट शब्द जर्मन से लिया गया है, जिसका अर्थ संपूर्ण या समग्र होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वर्दिमर, कोफका और कोहलर, ठीक है, इन तीनों के
तीनों को कहना चाहिए गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं, अर्थात वर्दीमार, कोफ्का और कोहलर, इन तीनों को माना जाता है। ठीक है, कोहलर सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य जो मनोवैज्ञानिक है इस सिद्धांत के। अब कोहलर ने कुछ और सिद्धांत दिया हुआ है साथियों, उस सिद्धांत का जो नाम है, देखिए आपका गेस्टाल्टवाद का प्रयोग भी कोहलर ने किया था, संपूर्णवाद का जो सिद्धांत है उसे भी कोहलर ने ही दिया है, समग्रवाद का सिद्धांत कोहलर की देन है, अवयवीवाद का जो सिद्धांत है वो भी कोहलर ने दिया है। अर्थात ये जो चारों सिद्धांत आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इन चारों सिद्धांत को भी किसने दिया था, तो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेस्टाल्टवाद का प्रयोग कोहलर ने किया, संपूर्णवाद का सिद्धांत कोहलर ने दिया, समग्रवाद का सिद्धांत कोहलर ने दिया और अवयवीवाद का भी सिद्धांत कोहलर की ही देन है। ठीक है, अभी देखिए इसमें कुछ की पॉइंट्स हमने कर रखा है, यहां पर आपको शो रहा है स्क्रीन पर। किसी समस्या को पहले जानना होता है, देखिए गेस्टाल्टवाद जो नियम क्या है, पहले तो आपको किसी समस्या को जानना है। ये जो सूझ का सिद्धांत है कहता क्या है, तो पहले तो किसी समस्या को जानना है, उसके बाद क्या है उसका समाधान बड़े सूझ के साथ में, बुझ के साथ में, तर्क वितर्क के साथ में उसका हल खोजना होता है। ठीक है, तो क्या है, किसी समस्या को पहले जानना होता है फिर उसका हल खोजा जाता है। ठीक है, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, अर्थात उस चिंपैंजी का क्या नाम था, सुल्तान। ठीक है, कोहलर ने केवल एक ही चिंपैंजी पर प्रयोग नहीं किया बल्कि इन्होंने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। ठीक है, कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, तो 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया हुआ है। अब इसमें देखिए सुल्तान, ठीक है, क्या है, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है, ठीक है, भूखा बंदर समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बॉक्स समस्या क्या है, यहां पर इस को आप समझने की कोशिश करें, तो देखिए एक बॉक्स में क्या किया, चिंपैंजी को बंद कर दिया और बहुत सारे केले उस कमरे में, ठीक है, उस कमरे की छत पर टांग दिया, उस बॉक्स की छत पर टांग दिया और उसके संदूक को, उस कमरा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, वह उसे प्राप्त करने की बहुत सारी कोशिश की। ठीक है, बंदर भूखा था, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वह उस केले को प्राप्त करने, लेकिन वह थक गया और बाद में सूझ से, सूझबूझ के द्वारा बॉक्सों को रख कर, ठीक है, उन्होंने सूझ से काम लिया, सोचा कि केले की तो ऊंचाई ज्यादा है, मुझे क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना बॉक्स को रखते जाए, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे बॉक्स को, ठीक है, बहुत सारे जो बॉक्स होते हैं उसको आपस में रखता गया और रखने के बाद में जो केला रखा हुआ था उसको क्या कर लिया, ठीक है, चढ़कर प्राप्त कर लिया। अर्थात क्या है, अपने जो लक्ष्य है उसको क्या कर लिया, उस चिंपैंजी ने, भूखा बंदर ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है सूझ का कार्य किया। तो ये पहला है जो सूझ के सिद्धांत पर है। एक और देखिए छड़ी का प्रयोग, तो छड़ी का प्रयोग कैसे हुआ, चिंपैंजी को, छड़ी के प्रयोग में देखिए चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, एक पिंजरा था जिस पर चिंपैंजी को क्या कर दिया, अंदर में बंद कर दिया, और अब एक कहना चाहिए पिंजरा है चिंपैंजी इसके अंदर में बंद है, है ना, ऊपर में क्या किया है, केला को लटका दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, ऊपर में केले को लटका दिया गया और उसमें छड़ या छड़ी रख दी गई, उसके अंदर में छड़ी रख दी गई, तो केले को प्राप्त करने में वो जो चिंपैंजी है असफल रहा, कोशिश कई बार किया
लेकिन असफल रहा और हार करके बैठ गया। फिर सूझबूझ के द्वारा सूझ से काम लिया और छड़ियों को जोड़ करके, अर्थात बहुत सारे जो छड़ी है उसको आपस में जोड़ता गया और जोड़ करके उस केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अर्थात क्या है दोस्तों, इसमें अपने जो लक्ष्य है उसको क्या लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से क्या है, चिंपांजी सूझबूझ से काम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देखिए इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है पांच संप्रत्यय के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, अभी जो सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसमें पांच चीजें होकर गुजरती है जो कि एक चिंपैंजी के साथ हुआ। ठीक है, उसके सामने लक्ष्य था, ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना था, अर्थात उसके सामने क्या रखा गया था लक्ष्य के रूप में, केला। ठीक है, अब केले को क्या करना था, उसको प्राप्त करना था। अब केले को प्राप्त करने में उसके सामने क्या आई, बाधा आई। ठीक है, तो बाधा कैसी आई, वह लगातार कोशिश किया, उसकी ऊंचाई थी, ऊंचाई सबसे बड़ी बाधा, बहुत ज्यादा ऊंचाई में रखी गई थी। ठीक है, उन्होंने लगातार कोशिश किया, असफल हुआ। असफल होने से क्या हुआ, उसमें तनाव आ गया। तनाव की वजह क्या था, असफल, असफलता। ठीक है, हम भी हताश और निराश हो जाते हैं साथियों, आप सभी जान रहे हैं, जब किसी काम में हम असफल होते हैं हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे साथी तो उस कार्य को ही छोड़ देते हैं। हमने बहुत सारे साथियों को देखा है जैसे नौकरी की ही जो तैयारी करते हैं, एक बार तैयारी की असफल हुए, दो बार तैयारी की असफल हुए, तीन बार तैयारी, लगातार वो असफल होता है तो मन उसका हार जाता है। जबकि इंसान को तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक वो सफल ना हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सफलता के लिए आप मेहनत करते रहो। स्ट्रेस होता है क्योंकि अगर आप असफल हो गए तो आपको क्या होगा, तनाव होगा। ठीक है, आपको तनाव महसूस होगा, लेकिन तनाव से डरे मत, संगठित रहें। अच्छे से यदि आप काम करेंगे तो आपको क्या है, अपना जो लक्ष्य है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सूझ के सिद्धांत की ये जो पांच प्रकार हैं या पांच चरण भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि की जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनकी जो विशेषताओं पर यदि हम आए दोस्तों, तो अनेकों विशेषताएं होती है। पहली विशेषता इसका क्या हो गया, देखिए सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, बुद्धि पर आधारित होता है, मानसिक योग्यता पर आधारित होता है। अर्थात वह क्या करता है, सूझबूझ से, अर्थात अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान का प्रयोग करता है और अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करता है। क्लियर है, देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें, अधिगम या सीखना अचानक होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अधिगम, देखिए ये सूझ लगातार कोशिश करता है, जो चिंपैंजी है असफल होता है, लेकिन अचानक क्या होता है, वह उस केले को प्राप्त करता है सूझ के द्वारा। ठीक है, तो सीखना क्या होता है, इसमें अचानक होता है। सीखने की जो प्रक्रिया है, अगला पॉइंट देखिए, सीखने की प्रक्रिया यंत्र की तरह नहीं होती। देखिए कोई भी मशीनी प्रक्रिया क्या होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, क्रम से चलता है और हर बार आप वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, अर्थात यह मशीन, लेकिन इसमें कोई भी कार्य यंत्र की तरह, मशीन की तरह नहीं होता। ठीक है, सीखना क्या है, चौथा पॉइंट देखिए, स्थायी होता है। ठीक है, अर्थात सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के आधार पर यदि एक बालक सीखता है तो वह उसे क्या करता है, लंबे समय तक स्थायी, अर्थात लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक उसको याद रहता है कोई भी चीज। ठीक है, ज्ञान स्थायी होता है अर्थात उसे लंबे समय तक याद होता है। सूझ की जो सिद्धांत में देखिए, सूझ भी अचानक, देखिए इसमें लगातार क्या है, चिंपैंजी प्रयास किया असफल हुआ, अचानक से क्या है उसको सूझबूझ आया और उन्होंने छड़ी को बांध दिया एक ठो में,
है ना, एक सिद्धांत में उन्होंने छड़ी को बांध के केले को प्राप्त कर लिया, एक सिद्धांत में बॉक्स के ऊपर इसमें सूझबूझ आया उसके दिमाग में, इसलिए क्या किया वह बॉक्स को रखा बहुत सारा। अब बॉक्स के ऊपर चढ़ते गए और चढ़ के क्या है वो केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से प्रक्रिया जो है एक चिंपांजी अपनाया गया। तो इस वीडियो में दोस्तों ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा छोटा सिद्धांत है, हम अनावश्यक हम कहना चाहिए दोस्तों व्यूज पाने के लिए हम लंबा किसी भी टॉपिक को नहीं खींचते, हम वही चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको कम समय में अधिक तैयारी चाहिए, ठीक है। तो वही हम बताने का प्रयास हमेशा हमारे YouTube चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उसके माध्यम से करते रहते हैं। आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं साथियों, फिर हम प्रातः 7 बजे प्रतिदिन हमारी लाइव क्लासेस चलती है, तो कल ही भी हमारे लाइव क्लास के साथ जरूर जुड़ें। ये जो लाइव क्लास की टाइमिंग है तो देखिए प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप हमारे लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारा लाइव सेशन चलता है, आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको कुछ अन्य टॉपिक भी पढ़ना है साथियों, नया टॉपिक पढ़ना है तो भी आप हमें बताएं, ताकि हम उसी टॉपिक को आपको पढ़ाएं जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, ताकि आपको भी कम समय में आसानी हो, ठीक है। यदि आपको कुछ टॉपिक पता है, आप सरल है, आप जान रहे हैं, तो उसको मत पढ़ें, जो नहीं जान रहे हैं आप उसको पढ़ें, आप हमें बताएं ताकि हम उसी टॉपिक को आपको बता सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।